वेलकम टू द ग्राम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज मैं आप लोग को टाइम एंड वक्त का एक अच्छा वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत ही जल्दी और सरल में करके दिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। इफ टूगेदर दे टेक 10 डेज टू कम्प्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी अलोन टू इट। यानी ए समय के 1/6 भाग में बी को जितना जितना काम करता है उसका आधा काम करता है। अगर एक साथ काम करने में उन्हें 10 दिन लगता है तो बी उस काम करने में कितना समय देगा। मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि ए है और एक तरफ बी है। अब ए करता आधा काम, यानी ए अगर एक काम करता है तो बी दो काम करता है, आधा काम। लेकिन कितने समय में? बी का 1/6 समय में। यानी बी का 1/6 समय में, मतलब अगर रेशियो निकाले बी का 1/6 तो देखिए आपको ऐसा निकलेगा रेशियो। तो मतलब 6 दिन में, ये 6 दिन में बी अगर दो काम करता है तो ए एक दिन में एक काम करता है। क्वेश्चन ये बोला है बी अगर मतलब 1/6 दिन में आधा काम करता है, इसका मतलब हो गया 6 दिन में अगर बी दो काम करता है तो एक दिन में एक काम करता है। तो ये वाला एफिशिएंसी का रेशियो मेरा नहीं आ पाया। एफिशिएंसी का रेशियो कब आएगा? जब मेरे पास दोनों का दिन सेम होगा। जब दोनों का दिन सेम होगा उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे कि हाँ 5 दिन में ए इतना काम करता है, 5 दिन में बी इतना काम करता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता का हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्षमता का अनुपात या एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों का दिन और दोनों का समय अलग अलग है। तो दोनों का दिन को सेम कर दीजिए। तो देखिए ये 6 दिन में दो काम करता है तो हम लोग इसको भी 6 बना देते हैं। तो ये 6 दिन में ये कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि अब अनुपात तो 1:2 का, 6:2 का हो जाएगा अनुपात, क्योंकि देखिये ए भी 6 दिन में 6 काम करता है और बी भी 6 दिन में 2 काम करता है। तो अब यहाँ पर हमको ये अनुपात पता चल गया 6:2 का। जैसे ही आपको अनुपात पता चला तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अब बोला है दोनों मिलकर 10 दिन ले रहे हैं, तो दोनों मिलकर मतलब दोनों अगर करेंगे दोनों का एफिशिएंसी कितना? 8। दिन कितना ले रहा है? 10। हमको निकालने किसका बोला? बी का। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 2 × डेज। तो देखिए एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी हो गया यानी क्षमता हो गया, ये डेज हो गया, इक्वल टू ये एफिशिएंसी हो गया बी का और ये डेज निकालना है। निकाल लीजिए 2 × 5 = 10 यानी 8 × 5 = 40 आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आपको ए का निकालने बोलता है तो आप ए का भी निकाल लेते 8 × 10 और इक्वल टू यहाँ 2 नहीं जाएगा 6 हो जाता है, 6 × डेज। यहाँ कितना हो जाता है? 80/6 हो जाता है यानी 40/3 आपका आंसर आ जाता है अगर ए का निकालने बोलता है। ठीक है, तो हमको बी का निकालने बोला तो बी का मेरा 40 आ जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन 3 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा तो अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या परेशानी है बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।